हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लटकन डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा है ये, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक ले लिया है, 3 इंच चौड़ा कट कर लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, इसी तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे हम इसको, यानी कि हम इसको कई बार फोल्ड करके पतला सा इसको हम कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस पे कैंची से कट लगा लेंगे दोनों साइड में इस तरह से। इस तरफ से हम लोग इसको कट कर लेंगे और सेम ऐसे ही दूसरे साइड से भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा नेट कट हो चुका है। ये देखिए हमारे नेट पे कट लग चुके हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगा के फ्रिल बना लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम ये डोरी अटैच करेंगे इस तरह से सेंटर में, इसके स्टिच लगा लेंगे एक हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का फैब्रिक कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। इसको मैंने लिया है 4.5 इंच का। हम इसको चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस, मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। ये देखिए हमारा कपड़ा पलटी हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसमें पहले स्टिच लगाई, फिर बीच में सेंटर में इसको मैंने कट लगाई, फिर उसको पलटी कर ली हूँ फैब्रिक को। अब हम इसका पॉइंट निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारा कपड़ा पलटी हो चुका है। हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे इसको हम, और इसके सेंटर में कैंची से छोटा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए हमारा कट लग चुका है। अब हम इसके सेंटर में डोरी डालेंगे। इसको हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर हम यहाँ से ऐसे इस तरह से क्रॉस में स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी एज इट इज स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमारा लटकन रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने तो कोशिश किया है आप लोगों के लिए अच्छा ही बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। एज इट इज़ मैंने दूसरा वाला भी बना लिया था सेम टू सेम। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो जाते जाते मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।
आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।